आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एगलेस चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी। इस केक को हमने बिना मैदा के गेहूं के आटे से बनाया है। एकदम सॉफ्ट स्पंजी जालीदार ये केक होता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। साथ ही अवन और कढ़ाई दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही सिंपल और ईजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। चूँकि आज का हम एक केक बना रहे हैं कढ़ाई में, तो सबसे पहले कढ़ाई के बेस में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और एक स्टैंड। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी या प्याली रख सकते हैं। ढककर हम इसे गरम करेंगे स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। और अगर आप इस केक को बना रहे हैं अवन में तो सबसे पहले आप अवन को प्रीहीट कीजिएगा 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। आज की इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक 6 इंच के टिन का। आप यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर या लोफ पैन किसी भी तरह के टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बूंद तेल डालकर मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा चम्मच मैदा लेकर अच्छे से हम इसे कोट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। तो अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप इस तरह से अपने केक टिन को तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को बहुत ही आसान और सिंपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है मिक्सर जार का। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो दही है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। नॉर्मल चीनी है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, पिसी हुई लीजिए या बिना पिसी हुई कोई भी। 1/4 कप मैंने यहाँ पे डाला है ऑयल। आप यहाँ पर ऑयल की जगह 1/4 कप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 कप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो भी आप चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं यहाँ डाल रही हूँ वनीला एसेंस और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर की जगह विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं। चूँकि मिक्सर से काम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर मिक्सर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर एक बाउल के ऊपर मैंने रखी है चलनी और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। आप यहाँ पर 1 कप गेहूँ के आटे की जगह 1 कप मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून यानी कि आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। 1 पिंच मैंने डाला है नमक और अच्छे से हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ठीक इसी तरह से। चूंकि हमें केक आज होल व्हीट से बना रहे हैं तो हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को लगभग 2 से 3 बार छानेंगे। इससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से अलग अलग हो जाएंगे और एयर को जो बाइंड करने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो हमारा जो केक है वो ज़्यादा फ्लफी और स्पंजी बनेगा। और अब इन अच्छे से छने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम ऐड कर देंगे हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स को। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप दूध, जिसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा या गर्म कोई भी इंग्रेडिएंट्स केक बनाते वक्त नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार है। और अब इस बने हुए बैटर को मैं डिवाइड कर लूँगी 2 बराबर भागों में और 1 भाग में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क, जिससे अच्छे से हमारा एक चॉकलेट फ्लेवर का बैटर बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास 2 तरह के बैटर बनकर तैयार हुए हैं। अब मैंने लिया है 6 इंच का टिन और हम धीरे धीरे करके 1-1 टेबल स्पून हर बैटर की डालते हुए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने डाला है वनीला फ्लेवर, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर और ठीक इसी तरह से अल्टरनेट करते हुए हम दोनों तरह के बैटर को डालते जाएंगे। बीच बीच में आप टिन को टैप करते रहें जिससे जो बैटर होंगे वो बेस में फैलते रहेंगे। तो देखिए ठीक इसी तरह से इस तरह से हम सारे लेयर्स केक के लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरह के बैटर डालते हुए हमारी जो टिन होगी वो लगभग 1/2 से 3/4 तक भर जाएगी, उससे ज़्यादा हमें टिन को नहीं भरना है। अच्छे से टैप करने के बाद आप लीजिएगा एक टूथपिक और जैसी भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं ठीक उसी तरह से आप जिगजैग यहाँ पर कर सकते हैं। चूँकि आज मैं बना रही हूँ मार्बल तो मैं ऐसे अनइवन देखिए टूथपिक से शेप दे रही हूँ। केक टिन हमारी तैयार है। अब जो कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो गई है उसका ढक्कन हम खोलेंगे और इस केक टिन को स्टैंड के ऊपर रखेंगे। ढक्कन को बंद करके सबसे पहले हमें इसे बेक करना है।
मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को कर देंगे स्लो लगभग 20 मिनट के लिए, और लगभग 25 से 30 मिनट में हमारा ये केक बनकर हो जाएगा एकदम तैयार। अगर आप इसे बना रहे हैं अवन में तो आप इसे बेक कीजिएगा 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद आप एक बार केक को चेक कर लीजिएगा टूथपिक डाल के, अगर आपकी टूथपिक क्लीन निकलती है तो आप 25 मिनट के बाद ही आपका केक बनकर तैयार है, और अगर आपकी टूथपिक थोड़ी सी उस पर केक का बैटर निकलता है तो आप 5 मिनट के लिए केक को और बेक कीजिए। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगता है इस केक को बेक होने में, और 10 से 15 मिनट के बाद जब केक टिन हल्का सा ठंडा हो जाए तो हम केक को कर लेंगे डीमोल्ड। आप बहुत देर तक केक को टिन में ना रहने दें, क्योंकि कंडेंसेशन से केक का जो सरफेस होगा वो सॉगी हो जाएगा। केक को ठंडा होने दें लगभग 1 से 2 घंटे के लिए किसी भी जाली या वायर रैक पर रखकर, और उसके बाद आप केक को कट करें। आपका होल व्हीट से बना हुआ केक भी उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी होगा जितना कि मैदे से बनता है, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये केक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस, अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही स्पेशल और एकदम सिंपल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।